अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं तनु शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। मेरठ के गंगानगर इलाके में फायरिंग की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक को पकड़ लिया और पिटाई करते हुए थाने ले आई। इस युवक ने बताया था कि वह क्षेत्रीय पार्षद गुलबीर सिंह उर्फ पप्पू का बेटा है, लेकिन आरोप है कि उसके साथ अभद्रता करते हुए उसे पीटा गया। भाजपा पार्षद के बेटे से मारपीट की सूचना जैसे ही लोगों को लगी, सभी गंगानगर थाने पहुंच गए। भीड़ मारपीट करने वाले दरोगा के निलंबन व एसओ गंगानगर से इस प्रकरण के लिए माफी मांगने की जिद पर अड़े थे। जब ऐसा नहीं हुआ तो सभी थाने के बाहर ही दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। यहां पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं भाजपा के क्षेत्रीय पार्षद गुलबीर सिंह का बेटा प्रिंस। मेरा नाम प्रिंस है, मैं गुलबीर सिंह पार्षद का बड़ा लड़का हूँ। मैं घर से जैसे ही अपनी गाड़ी लेके निकला, मेरे ताऊजी के लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें मैं छुट्टी कराने ले जा रहा था। मैं निकला तो मैं IMT साइड से भाई उसे लेने जा रहा था। वहाँ से निकला तो उधर से पुलिस वाले जीप ने मेरे आगे आगे गाड़ी लगा दी। आगे लगाते के साथ मैं उतार के बदतमीजी से पैंट वैंट खींच के बाहर आओ। मैंने कि क्या है, बटन वटन सब नाड़ वाड़ पकड़ के, मैंने कुछ बात तो बताओ क्या है। मैंने कि यहाँ के मैं नवर सब्जी का लड़का हूँ, हम ऐसा आदमी नहीं है, अपने इज्जतदार आदमी है, सब चीज़ है, हमें सब पता। पहले तो तुम्हारे राष्ट्रपति का भेज दूँ, बोर्ड लगा लो, मत लगे तुम भाजपा के हो तो क्या कर लोगे, फलान लिखना या उल्टी सीधी बात करने लगे गाड़ी के बोर्ड से। मैंने कि मुझे ये तो बता दो है क्या मामला जो तुम मुझे पकड़ रहे हो। नुक बताएंगे तुझे पहले थाने में चल, जब बताएंगे तुझे। मैंने कि पहले बताओ जब चलेंगे थाने में। तू नहीं, इतना गाड़ी चाबी अभी छीन के जबरदस्ती हमें जैसे ना जा रहा। मैंने कि पहले गलती बताओ क्या है, किस बात पे ले जा रहे गाड़ी के अंदर डाल के। फिर एक दरोगा जी है, उन्होंने नाड़ पकड़ के नुका भी बताओगे तुझे, इतना इंस्पेक्टर साहब उंगली दिखा देगा, तुझे अभी ठीक कर दूंगा, अभी बनाऊंगा तुझे, सारा बदमाश पिटाई कर रहे हैं, गुस्से बजा रहे हैं। मैंने क्या बात है, कुछ बात तो बता दो। नहीं वहीं बताएंगे थाने में, नु इसने तेरा नाम लिया था ना गोली चलाई। मैंने गाड़ी चेक कर लो, मुझे चेक कर लो, हम सब कुछ चेक करा, कुछ नहीं निकला। अब थाने ला गए, उससे सॉरी मंगवा कर अंदर मन करंट गाड़ी बना के उस लड़के से, नुका भाई हम पर प्रेशर आ जाएगा, ये बेगुनाह ठाक लिया है, तो उससे सॉरी बुलवा के उसे भेज दिया जिसने मेरा नाम लिया, और मुझे अब तू चला जा। 100 आदमी 200 आदमी के सामने सारी गरिमा की ऐसे मार दी। घायल छात्र आदर्श चौधरी ने बताया कि कुछ युवकों ने उससे मारपीट की और फायरिंग की इस घटना में, लेकिन पार्षद का बेटा नहीं था। फायरिंग इन्होंने काफी सारी राउंड फायरिंग करी, फिर वहाँ पे IMT गेट की बात है, IMT गेट के सामने जो गली जा रही है, गली जो जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। कितने बजे की बात है ये लोगों की? ये लगभग अब से 1 घंटे पहले की बात होगी। 1 घंटे पहले? हाँ जी। आप गए थे? मैं वहाँ पे गया था, खड़ा हुआ था, मैं तो पीछा मुड़ा ही था फोन। चार लड़के किस चीज पे थे वाहन में, कार में? पैदल आए थे, डंडे लेके, पिस्टल लेके। फिर ये सूचना कैसे दी गई पुलिस को, जानकारी जो देने के बाद में फिर ये बता रही कि पिताजी ने फोन किया मेरे? हाँ, अच्छा। हाँ, मैं अस्पताल में गया पहले, मैं पहले गोली से छू के निकल। ये जो लड़के जो पुलिस ने उठाए थे, जो पार्षद के पुत्र हैं, ये सब ये भी थे या नहीं थे? नहीं, पार्षद का पुत्र नहीं था। अच्छा, इसमें सिर्फ यही था, अभिषेक पवार, बादल धामा और उसके 4 साथी थे। अच्छा, ये हथियारों से लैस थे। किस बात को लेकर रंजीश? कुछ नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ पीछे खड़ा को बात कर रहा था। मैंने हाथ मिलाया इनसे और मैं पीछे मुड़ते ही मैं फोन पे बात करने लगा, इतने पीछे हमला कर दिया इन्होंने। तुमने कौन सा कोर्स किया है? BGM जी, मास कम्युनिकेशन किया जी मैंने, फाइनल। हाँ जी, ठीक। उधर गंगानगर SO ऋषिपाल सिंह ने बताया कि फायरिंग की सूचना गलत थी, मेडिकल में भी मारपीट आई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ।